ऐसी सिचुएशन हो तो थर्ड अंपायर के पास जाना चाहिए था। ऑन फील्ड अंपायर ने पहले तो नो बॉल दी नहीं है, विराट कोहली के कहने के ऊपर दे दिया। नो डाउट विराट कोहली प्लेड वेरी वेल। इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो बहुत बड़ा एक बिजनेस नेटवर्क है उनका यार, उन्होंने अपने कमर्शियल ऐड देने होते हैं आईसीसी को, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अभी आप देख लें उन्होंने उनके जो है वो सेक्रेटरी ने ऐलान किया कि नेक्स्ट एशिया जो है कप पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे, और आईसीसी खुद तो करेगा नहीं, डेफिनेटली पाकिस्तान को ही पुट ऑन करना पड़ेगा ये केस आगे आईसीसी की मीटिंग के अंदर, सो दैट आगे आने वाले फ्यूचर वेंचर्स के अंदर ऐसी सिचुएशन ना बने। में जो मूवमेंट पे एक नो बॉल दी गई है नवाज के ओवर में, ठीक है, थर्ड बॉल पे, आपको क्या लगता है वो नो बॉल है थी या नहीं थी? नहीं, नो बॉल तो वो नहीं थी, असल में उसको रिव्यू लेना ही बहुत बड़ा गलत डिसीजन था इनका, और बेचारा बाबर तो काफ़ी जाके उसने प्रोटेस्ट किया है कि यार ये नो बॉल नहीं है। लेकिन चूंकि हम लोग जानते हैं कि आईसीसी ऑलमोस्ट जो है ना वो बीसीसीआई की भारत जो इंडिया का जो क्रिकेट बोर्ड है उनके साथ अटैच है, इन्वॉल्व है, उनके साथ वो बहुत सारी चीज़ें उनकी शेयर होती हैं, लेने देने भी होते हैं, तो वो किस तरह उनको नाराज़ कर सकते थे उनको? हाँ यार, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी बन रही है, काफ़ी लोग सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज़ को तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं, और काफ़ी कमेंटेटर्स और फॉर्मर क्रिकेटर्स भी इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई बिलीव जब इतना बड़ा स्टेज हो, इतना बड़ा क्रिकेट मैच हो रहा हो पाकिस्तान इंडिया जहाँ पे इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो आई बिलीव जब ऐसी सिचुएशन हो तो थर्ड अंपायर के पास जाना चाहिए था। ऑन फील्ड अंपायर ने पहले तो नो बॉल दी नहीं है, विराट कोहली के कहने के ऊपर दे दिया। नो डाउट विराट कोहली प्लेड वेरी वेल, बहुत अच्छा खेले हैं वो, लेकिन जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना तो फिर वो ना जो जेंटलमैन गेम है ना वो बड़ी क्वेश्चन उस चीज़ के ऊपर होना शुरू हो जाते हैं, आवाम देखते देखते सोचने लग जाती है। डेफिनेटली जैसे कि आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तानी मोस्टली क्रिकेट फैंस सोशल मीडिया पे यही कह रहे हैं कि इट्स नॉट एन आईसीसी, इट्स इंडियन क्रिकेट काउंसिल जो कि ये सारी चीज़ों को डील कर रहा है, तो ये एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट मोमेंट था। जैद उन्होंने ये भी बोला है कि आईसीसी एंड बीसीसीआई आईसीसी को चला रहा है, आपकी नज़र में क्या बिल्कुल ठीक बात? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपको भी पता, सबको पता है यहाँ पे अगर कोई ना कोई बात हो तो सबसे यानी समझ लें आईसीसी चल ही बीसीसीआई के ऊपर है, क्योंकि इंडिया वाले पैसे लगाते हैं हर चीज़ पे, उनके पास पैसा है, वो अपनी एजुकेशन को तो थोड़ा स्पोर्ट्स पे वो बड़ा पैसा लगाते हैं। अगर वो ये लगा के पाकिस्तान इंडिया का मैच ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है मेलबोर्न स्टेडियम के, इतना बड़ा स्टेडियम है, तो वो जाहिर सी बात है कुछ सेटअप पीछे से करके आई हैं, कोई सेटअप ना होता तो थर्ड अंपायर तक बात जाए, बल्कि बात तो गई नहीं, इशारा तो वहाँ पे थर्ड अंपायर का कोई रिव्यू आया ही नहीं है। अगर नो ठीक है तो ये वन साइड मैच भी चला गया एंड पे, तो जो सारी बात है बीसीसीआई और आईसीसी का आपस में कोई लिंक था, काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू उनके पास आता है बीसीसीआई से, तो ये सारा पैसा ही चला, वन साइड मैच एंड पे आ गया, क्योंकि मैच इंडिया हार चुका था और ये एशिया कप में भी आपने देखा कितना बुरा ये मैच हार रहे थे, 170-180 का टारगेट था जो मैच हार रहे हैं, तो इन्होंने वो वाला गुस्सा उतारा है। तो नहीं करेंगे ना आईसीसी वाले। तो सर अगर बात की जाए जब नो बॉल हुई थी विराट कोहली ने नो बॉल का इशारा किया था, अंपायर ने उनके कहने पे नो बॉल दे दिया, हालांकि बाबर आजम गए हैं उन्होंने बोला कि नो बॉल नहीं है, फिर भी उन्होंने विराट कोहली की बात सुन के नो बॉल दे दी, आपको क्या लगता है कि क्या वजूहत? बाबर आजम फ्रॉम पाकिस्तान टीम और विराट कोहली फ्रॉम इंडिया, ठीक है, तो वो किसकी सुनेंगे? आईसीसी बहुत सारे डिसीजन जो है ना वो, बल्कि मेरा ख्याल है उनको वो उनसे डिस्कस करता है कि हमने क्या डिसीजन लेना है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो बहुत बड़ा एक बिजनेस नेटवर्क है उनका यार, उन्होंने अपने कमर्शियल ऐड देने होते हैं आईसीसी को, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अभी आप देख लें उन्होंने उनके जो है वो सेक्रेटरी ने ऐलान किया कि नेक्स्ट एशिया जो है कप पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे, अभी प्लान हुआ तो उन्होंने डिसीजन दे दिया कि हम नहीं करेंगे, जिस पर युवराज ने कहा, युवराज उनका क्रिकेटर है फॉर्मर, उसने कहा जी कि ये गलत डिसीजन लिया, एक ही मौका था कि दो टीमें या दो मुल्क आपस में इन्वॉल्व हो रहे थे, तो उन्होंने ये गलत स्टेटमेंट दिया, गलत टाइम पर स्टेटमेंट दिया, तो हम लोग तो पाकिस्तानी रो ही सकते हैं भाई कि वो बड़ा गलत डिसीजन था उनका। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो नो बॉल नहीं थी। अगर उसामा बात की जाए तो इंग्लैंड के एक प्लेयर थे नसीर हुसैन, उनका भी ट्वीट आया कि ये नो बॉल नहीं थी, उन्होंने भी यही आईसीसी को एंड बीसीसीआई को भी गलत कहा है, इवन देन उन्होंने अंपायर पे भी तनकीद की है कि ये नो बॉल नहीं थी, तो आपको क्या लगता है कि आईसीसी ये इस बारे में एक्शन लेगा या नहीं लेगा कि बीसीसीआई की बात चलेगी? यार इस चीज़ पहली बात तो ये ना, इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेने से पहली बात तो मैच तो वापस आएगा नहीं, ठीक है, ये तो वही उस वक्त ही अंपायर्स को डिसाइड करना चाहिए था, और दूसरी बात ये कि इस चीज़ के ऊपर तबसरा किया जा सकता है, और आईसीसी खुद तो करेगा नहीं, डेफिनेटली पाकिस्तान को ही पुट ऑन करना पड़ेगा ये केस आगे आईसीसी की मीटिंग के अंदर, सो दैट आगे आने वाले फ्यूचर वेंचर्स के अंदर ऐसी सिचुएशन ना बने। इसके अलावा सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तो वो थी कि जब फ्री हिट थी तब विराट कोहली बोल्ड आउट हो गए थे, बोल्ड आउट होके उसके बाद
उन्होंने उसके ऊपर रनिंग्स लेनी शुरू कर दी। जबकि हम अगर देखें आईसीसी के रूल्स के अंदर तो उसमें डेफिनेटली ये लिखा हुआ है कि आउट इंसान तब, लेट्स सपोज अगर कोई फ्री हिट को खेलता है तो तब तक जब तक कैच होता है उसके दौरान अगर वो कोई सिंगल्स ले लेता है ना तो कैच होने के बाद वाली चीज़ बिल्कुल डेड बॉल हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बॉल आउट होने के बाद वो चीज़ 22 के अंदर नहीं आती थी। वो भी एक कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन था। तो काफ़ी एंड पे चीज़ें हुई हैं, अब क्या कर सकते हैं यार, हार तो गए हैं। नो बॉल की बात कीजिए, अगर लेग अंपायर जो होता है वो नो बॉल देता है, सामने वाला अंपायर नो बॉल नहीं देता। और दूसरे नंबर पे बाबर आजम ने जाके बात की, तब भी उनकी बात भी नहीं सुनी गई। तीसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो विराट कोहली के इशारे पर नो बॉल दे दी गई। क्या आपको लगता कि इंडिया ने पूरी बीसीसीआई ने पूरी आवाम की आंखों में डोल डोल के ये मैच अपने हक में लिया? भाई आवाम ही अन्नी है, अगर वो उनको अब भी इतना बड़ा देख के भी लगे ना कि नहीं नहीं यार डिसीजन ठीक है, तो आवाम अन्नी है, वाकई अन्नी है। अगर इतना भी पता हो ना, सारा पता चल रहा है, अगर कोई क्रिकेट नहीं भी खेलता हो, देखता भी हो ना, उसको फिर भी थोड़ा बहुत इलम होता है कि यार ये नो बॉल हुई है, और ये अगर नो बॉल के अंदर स्टंप आउट आउट हुआ है तो बॉल डेड हो जाती है। बॉल डेड हुई है, तीन स्कोर भी निकल गया, नो बॉल भी हो गया और छक्का भी इन लोगों ने दे दिया, और थर्ड अंपायर तक बात ही नहीं गई। तो यहाँ से तो सारा पता चल रहा है कि भाई नासिर हुसैन कहाँ से है? इंग्लैंड। और आईसीसी कहाँ से है? इंग्लैंड। तो अब एक उनका जो फॉर्मर क्रिकेटर कैप्टन है, अगर वो ये स्टेटमेंट दे रहा है तो हमें इसके बाद किसी और की कोई आर्ग्यूमेंट्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी और की स्टेटमेंट लेने की जरूरत नहीं। अब नासिर हुसैन इंग्लैंड टीम का फॉर्मर कैप्टन है, जब वो ये बात कह रहा है, और वो रहता भी इंग्लैंड में, अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान से नहीं है, मैं और आप तो पाकिस्तान से हैं, हमारी बात की शायद उतनी वर्थ ना हो। जो बंदा घर में रह रहा है और वो ये कह रहा है कि जो है बीसीसीआई जो है ना आईसीसी को चला रही है, तो उसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कि और को रहता है, हमें कोई डाउट क्या ऐसा नहीं है। तो सर अगर देखा जाए मेलबर्न की ग्राउंड में 90,000 से ज़्यादा शायकीन देखने वाले, मतलब उनके आँखों में धूल झोला जा रहा था कि मतलब कि उन्होंने इंडिया को ही जिताना था आपकी नज़र में? नहीं यार, इंडिया तो ऑलरेडी वैसे हार चुका था, उनके पास ये एक ही अपॉर्चुनिटी थी कि वो नो बॉल को इन्वॉल्व कर लेते तो ऑब्वियस उनके मैच उनके हाथ में आना था। तो चीज़ें सारी एट द स्पॉट होती हैं, कुछ प्री प्लान नहीं होता था। अब नो बॉल पहले से प्लान तो नहीं होगी, लेकिन उस वक्त उनकी फेवर में यही थी कि यार इस नो बॉल को एज बनाते हैं। और फिर विराट ने मतलब खुद फोर्सली कहा कि यार नो बॉल है। नॉर्मली बैट्समैन जो है ना वो नहीं करता प्रोटेस्ट किसी भी वाइड के लिए, किसी भी नो बॉल के लिए। अंपायर्स खड़े हुए हैं, उनका डिसीजन है, वो किस लिए, उनको पता नहीं है कि यार नो बॉल है कि नहीं है। वो फुल टॉस बॉल है यार, तुमने उसको आराम से छक्का मार दिया है। और मेरी एक चीज़ और है, आपने शायद एक चीज़ और नहीं नोट की, बाकी लोगों ने भी नहीं की होगी, मैंने वो उसको बड़ा फोकस किया कि फ्री हिट पे जब बंदा बोल्ड हो जाता है, जब वो बोल्ड हो जाता है इट मीन्स कि जनाब गेंद और जो है ना बैट्समैन का जो एक अट्रैक्शन है वो ख़त्म हो गया। इन्होंने उसके बाद बाय के तीन स्कोर ले लिए, ये किस तरह है? अगर हम हिट मारते हैं और कैच हो जाता है तो आउट हो जाता है, स्कोर तो काउंट नहीं होते, वो आउट काउंट नहीं होता क्योंकि वो फ्री हिट थी। ठीक है, अब फ्री हिट पे बोल्ड हो गया, बोल्ड होने का मतलब ये कि बैट्समैन और बॉलर का अट्रैक्शन ख़त्म हो गया, फ्री हिट ज़ाया हो गई। इसने उसके भी तीन रन ले लिए हैं बाय के। मुझे ये बताएं ये कैसे है, ये कैसे हो गया कि बॉल और बैट्समैन के दरमियान एक होता है कि बॉलर ने हिट करनी है, सॉरी बैट्समैन ने हिट करनी है, बॉलर ने करना है। अगर वो बीट होती है तो ठीक है, समझ आता है कि यार बाय का स्कोर बनता है। अगर वो आपकी किसी बॉडी पर टच होती है तो लगता है लेग बैक का स्कोर है। अगर आपका बैट को टच होती है तो वो आपके इंडिविजुअल स्कोर होता है। अब एक बंदा बोल्ड हो गया, उसके बाद उसने तीन स्कोर बाय के बना लिए, ये मेरी सेंस में समझ नहीं मुझे आ रही। तो आपको लगता है कि पीसीबी इस चीज़ के बारे में कोई एक्शन लेगी, आईसीसी कोई बात करेगी या बीसीसीआई से कोई बात करेगी? रवीज राजा ने बहुत सारी चीज़ें अच्छी कर ली हैं, लेकिन अभी वो इस लेवल पर नहीं आया कि वो आईसीसी को टक्कर दे सके, अभी इसका वर्थ नहीं है। और वैसे भी रशिंग बनाते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंगेज हों, ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सरशिप आए, और फिर एंड पे आके मैच माइंड सेट की तरफ ले जाते हैं। इन्हें पता था कि हम लोग 10वें ओवर में, इन्हें पता लग गया था मैच हार गए हैं, तो इन्होंने जारी बात है बैकडोर्स के रास्ते हुए कोई गेम चली है, जिसकी वजह से इन्होंने हमें बहुत डिसअपॉइंट किया है। अब देखें इंडिया वाले तो ये कभी बात नहीं मानेंगे, कभी ज़िंदगी में बात नहीं मानेंगे, वो हमें ही ब्लेम करेंगे कि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी, आप लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, और आप उसका ब्लेम हमें दे रहे हैं कि हमने जो है ब्राइब किया आगे।